नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के जीवन में कहीं न कहीं किसी न कारणवश से हर व्यक्ति थोड़ा बहुत परेशान रहता ही है, और कहीं न कहीं हम उस परेशानी की वजह जानना ही नहीं चाहते कि हम परेशान क्यों हैं। हमारा हाल वही रहता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढोड़े वन माई, ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे नाई। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे कि किस वजह से हमें परेशानी हो रही है, क्यों हम परेशान हो रहे हैं, तब तक उस परेशानी की, उस समस्या का निदान हम आपको नहीं मिल सकता है। दोस्तों, आज मैं वास्तु के अनुसार आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से हर व्यक्ति हर घर में कुछ कुछ परेशानियां बनी रहती है, और वो उसका समस्या उस समस्या का निदान हम लोग नहीं कर पाते हैं। सच्चाई हम अब जान नहीं पाते किस वजह से ये हो रहा है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि घर के उत्तरी पूर्वी भाग में भारी मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। शयनकक्ष में बिस्तर के नीचे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और रोग एवं मानसिक परेशानियों को भी बढ़ाता है। जूते चप्पल हमेशा घर से बाहर ही रखने चाहिए। लोहे की अलमारी कभी भी बिस्तर के पीछे नहीं रखें। यह भी ध्यान रखें कि लोहे की चीज आपके बिस्तर पर नहीं होनी चाहिए। घर के बीच में पानी की टंकी, हैंडपंप, घड़ा या दूसरे जल के स्रोत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये काफी आपके लिए हानिकारक होते हैं। यह जो होता है आर्थिक मामलों में नुकसानदेह होता है कि आप हद से ज्यादा अगर आपके घर में ऐसी चीजें हैं तो आर्थिक मामले में आपको नुकसान देगा। धन संपत्ति एवं पारिवारिक सुख समृद्धि, पारिवारिक सुख शांति के लिए आप घर में डूबते जहाज की तस्वीर कभी नहीं रखें। और जो चीज आप घर में दान देने के लिए लेकर आते हैं, कोई सामग्री अगर आप दान देने के लिए लेकर आते हैं, तो उसको बहुत दिन अपने पास नहीं रखें, क्योंकि दान के लिए जो भी वस्तु आप लाते हैं उसको अधिक दिन अपने घर में अगर रखते हैं तो कहीं कहीं उससे नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी कभी घर में नहीं रखना, जो टूटी हुई मूर्तियां हैं देवी देवताओं की, उनको कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसी मूर्ति आपके पास है, ऐसी तस्वीर आपके पास है, तो इसको तुरंत आप किसी वृक्ष के जड़ पर, पीपल के जड़ पर, या तो आप किसी कुआं में या तो किसी नदी में इसको प्रवाहित कर दें, जिससे जो भी आपकी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर यह आपके घर में होती है, अगर आप घर में करते हैं या घर में रखते हैं, तो यह हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन काल में यह परेशानियां खड़ी करती रहती है। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं, यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।